ओए बहुत बर्फ पानी है यार, ये तो बहुत बर्फ पानी है भाई। मजा आ गया। मैं आपका अपना आयुष को फिर से नए ब्लॉग के साथ। मॉर्निंग सभी को, मैं आपका अपना आयुष कोहली आज फिर से एक नई वीडियो के साथ। और अभी एनर्जी दिख नहीं रही होगी इतनी, आज है लास्ट डे ट्रिप का और सुबह के बज रहे हैं 6 फिलहाल, और मैं पूरी रात सोया नहीं। सब हम उठे हुए थे, सारे मज़े कर रहे थे, काम वाम देखना तो उठा ही हुआ हूँ। लास्ट लॉक देखा होगा तो हम रात को बस ट्रैकिंग करके फटाफट कैंप में पहुँचे थे और हमने डिनर विनर करा था, बैठ के इन्जॉय करा था। ब्लॉग एंड नहीं कर पाया, सॉरी उसके लिए। ये देखो ये कैंप है, बॉनफायर वगैरह तो देखा ही होगा वो सारा। ये ऐसे टेंट लगे हुए हैं, ये ऊपर पूरा व्यू है। ये मैं सारा काम कर रहा हूँ अभी बैठ के, एंड ऐसे यहाँ बॉनफायर लगाया था, प्लस ये व्यू है, सारे बैठे यहाँ बैठे थे। एंड ये कैंप है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई भी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही। काम करते हैं, फिर आगे सोऊंगा थोड़ी देर, फिर चलेंगे आगे, फिर खाऊंगा आज का दिन। बट सामान उठाते हैं और चलते हैं, वो चेकआउट करते हैं होटल से और कैंप से। कैंप बहुत बढ़िया था यार, मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा, मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि लास्ट डे था, सब ने मज़े मारे और ज़्यादा रिकॉर्डिंग का सीन बन नहीं पाया। सामने सारे असेंबल हो रहे हैं, बस इसके बाद आपको तुम्हें ट्रैकिंग दिखाता हूँ जो रात को हम करके आए हैं। ट्रैकिंग फ्लैश ऑन करके सुबह पता लगेगा तुम्हें, देख के ही कैसा है। रेडी? हाँ चल रहे हैं, चलो। तो बस फटाफट तुम्हें ट्रैकिंग भी दिखाता हूँ रास्ते में। फोटोज भी करा ली, ग्रुप फोटो। ये आगे भाग रहे हैं, कहाँ चले गए। फिर ट्रैकिंग देखना, बहुत ही रिस्की ट्रैकिंग है, मतलब कैंप तक आने के लिए भी। बट कैंप ठीक था, सो था, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं, चिल था, फन था, बढ़िया। कहाँ गए वो, वहाँ भी पहुँच गए यार। ये देखो भाई, कहाँ जंगलों के बीच से नदी पार करके निकलेंगे। ये कैफे स्टैंड्स लगे हैं। अभी पसंद आ रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट और बेल आइकन दबाना मत भूलना। पुराने व्लॉग देख लो भाई, उसमें तो बहुत ही मज़ेदार है, कॉमेडी बहुत है, देखना ज़रूर, वो मत मिस करो। देखो है ट्रैकिंग, देखो रात को हम यहाँ से आए हैं, अभी तुम्हें नॉर्मल दिख रहा होगा, और आगे वाली जो चढ़ाई है ना यार, वो बहुत रिस्की सी है। और रात को तो कुछ, रात को कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो एक वो बड़ी दिक्कत वाली बात है भाई। ये देखो, ये सामने ये जो रास्ता है ना, यहाँ से जाके ये जो जाना है हमने भाई, ये बहुत टफ चढ़ाना है जो दिख नहीं रही। और ये यहाँ से ऐसे नदी बह रही है, और ये नदी हमने यहाँ से पार करनी है। पानी का बहाव देखो यार तुम, टेम्पू ट्रेवल में सामान रख के कसोल की साइड वॉक करके जाएंगे, देखते हैं मार्केट कैसी, मतलब कसोल मार्केट की साइड, मॉल रोड साइड। फिलहाल यहाँ पे सामान वामान रख देते हैं। चलो भाई लेट्स एक्सप्लोर द मार्केट। कैसे बोला सर ने, कैसे बोला सुन, एक्सप्लोर कैसे बोला सर ने, एक्सप्लोर द मार्केट, एक्सप्लोर द मार्केट, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर द मार्केट, लेट्स गो। अभी शुरू ही है यार, पीछे है कोई एवरग्रीन कैफे आया था अच्छा सा, देखा। बाकी अब आगे को इन्होंने दो चार कैफे बताए थे, बहुत बढ़िया बढ़िया, जिधर वाइब मैच करी वहाँ बैठ जाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे। सामने मार्केट शुरू हो चुकी है, यहाँ पे ऐसे नॉर्मल वही वाली मार्केट है जैसे हर जगह होती है, वही कपड़े, वही सब, वही कुछ, बार बार मैं क्या दिखाऊँ, वही पहाड़ों पर जो होता है। इधर की वाइब थोड़ी अलग है, दिन का टाइम में वैसी भीड़ कम है, यही होता अगर शाम का टाइम तो बहुत भीड़ होती है, क्योंकि कल बहुत थी और मणिकरण का जाम भी लगना शुरू होने वाला है, आगे लग ही चुका है ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत। फाइनल करें फिर, डन है। मेटल, मेटल दिखा के एक बार करके देखो, मेटल होता है, सिल्वर है भाई वो।
नहीं चिपक रहा, पूछ इससे चिपकेगा। भैया चिपकेगा कैसे? अरे कुछ लगा दे, मैग्नेट है। तो कहाँ लग रहा है मैग्नेट? अरे बस ऐसे लगता है ना, लगा के देख लेना भाई, मेरे को तो चिपका नहीं अब तक लोहे पे कहीं। सही है। अभी हम चल रहे हैं कसोल की मॉल रोड, खाना वाना खा लिया मैंने, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा, बहुत थके हुए हैं यार, दो दो दिन से नींद ही पूरी नहीं हो रही है, पीछे मार्केट चल रही है और बहुत बढ़िया सीन है यहाँ पे, शॉल से लेके बैग, बैग से लेके जैकेट, जैकेट से लेके की चेन, सुवेनियर सब मिल। भाई मैं जगह का नाम पूछ रहा हूँ, आंटी गरी कसोल, भाई कौन सा पार्क आया है? पार्वती फॉरेस्ट डिवीजन, ये तो उसका हो गया, एसोसिएशन का नाम हो गया। क्या नाम है पार्क का? कसोल के सेंटर में कोई पार्क है बहुत बढ़िया? नहीं वो तो लिखा ही है पार्वती फॉरेस्ट डिवीजन, लेकिन वो नेचर पार्क कसोल। तो देखो यार कैसा है, बहुत बढ़िया है, मेरे को तो मतलब ये 120 की टिकट मिली है 4 की, बट पार्क बढ़िया है यार। ये देखो ना मतलब झूले वूले लगे हुए हैं, ये आ गया ननीशा मैम का लड़का, झूले लगे हुए हैं, बच्चे झूल रहे हैं। चलो भाई रिवर पे चले, अभी नहीं आओ रिवर पे चलते हैं। अरे मम्मा से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जाओ फिर मम्मा के पास जाओ, आप ले लो, खेलना पड़ेगा। हाँ खेलते हैं अभी उन्हों आराम से। ओके क्या सीन है? बैठे हैं यहाँ क्यों बैठे हो फिर? नदी में बैठो ना। नदी में डूबे मतलब? अरे पैर डूबो के बैठते हैं नदी में। अबे वहाँ भीड़ तो देख कितनी है। शूज उतारते हैं और नदी में पैर डूबो के बैठते हैं। ओए होए होए बहुत बर्फ पानी है यार, ये तो बहुत बर्फ पानी है भाई, बहुत बर्फ पानी है। वो दो आलसी बूढ़े तो पीछे बैठे हुए हैं, उनको तो कोई शौक नहीं आने का, हम तो आगे भाई। भाई बहुत बर्फ पानी है यार, जम रहा है। हाँ पैर सुन पड़ रहा है भाई, थोड़ा थोड़ा ऊपर रख के कर रहे हैं भाई, बट नहीं यार लेकिन आराम आ गया, पूरा बॉडी का पेन जा रहा है इससे भाई। बॉडी जम रही है। हाँ जम रही है, बट ये अच्छा डिसीजन है भाई, डिसीजन तो अच्छा। अब आए हैं तो मजे तो, 30 रुपए दिए टिकट के तो मजे तो करें। 30 रुपए का है भाई, ठंडा ठंडा 30 रुपए में 300 के मजे ले रहे हैं। फाइनली लौट के बुद्धू घर को आए, दोनों बोल रहे हैं मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है, सुननी तो होती नहीं है। अब जब देखा मजा आ रहा है, पैर डुबो के आराम से बैठे हुए ठंडे पानी में, शुरू में लग रहा था ठंडा और पैर में हो रहा था दर्द, लेकिन अब भाई पैर हो गए सुन, थकान बिल्कुल पैर हो गई खत्म, मजा मतलब वर्थ इट है भाई। मतलब कसोल फॉरेस्ट पार्क में आके पैर डुबो के बैठना तो वर्थ इट है। अबे यार यार बैठ तो देख के यार, पानी पड़ा है कम से कम इतना तो देख ले। सूखे में बैठ जाता है, सूखा पड़ा तो है। अच्छा तूने दिमाग यार गीले में बैठ गया, बिना सोचे समझे बस बैठ गया हमें देखकर। अरे 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 क्या बात है यार, क्या करा है यार, बैठ जा आराम से, मजा आएगा भाई, डाल दे डुबो दे। आ शिवम, शिवम बैठ इधर बैठ ना, अबे यहाँ पैर यहाँ लगाए रखना, इधर मत लगाना, यहाँ पे बैठ आराम से, इधर मत करियो बस। हाँ भाई मजा आ गया, मजा आया ना, ये बोल रहे हैं भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये और नहीं बूढ़े हो गए हैं ना ये दोनों भाई, गलत ठंडा पानी है ये, वर्थ इट है भाई, वर्थ इट एक्सपीरियंस, मजा आया। चलो 30 रुपए वर्थ इट 30 रुपए वसूल कर रहे हैं भाई लोग, यहाँ पे देखो पूरा पूरा भी नहा रहे हैं।
ओहो बाकी पार्टी भी आ गई इधर आ रहा है फिर फटाफट आ रहे हैं अगर वोट का कुछ बीट नहीं हुआ वाटर रेजिस्टेंट आई विल सू यू पता ना वाटर रेजिस्टेंट है आई नो बट स्टिल आई विल सू यू ठीक है भाई अरे भाई पैर में दिख रहा है अरे ज्यादा सिनेमेटिक हो गया ना कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है पागल हो गया क्या ये तोड़ रहा है इसको कुछ ना कुछ करने का मन कर रहा है बोर हो रहा है चल लो यार कब चले बैठो तो रहो शिवम आ जा पैर इसके अंदर रखने क्या पता नहीं भाई नहीं पागल है क्या अबे भाई तोड़ मत देना यार 30 रुपए के 3,000 ना देने पड़ जाएं अरे इधर घुमाना क्या कर रहे हो यार बच्चों का झूला है बच्चों को झूलने दो वो आ गया बच्चा करण जाते रहिए वो बच्चा आ गया अब मैं छोड़ ही दूंगा तुमको कौन सा बच्चा देख रहा है मुझे भाई बच्चों खेलना भाई जज कर दिया भाई बच्चे ने जज किया जज कह रहा है मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा क्या बात ऐसी हुई है कि वीडियो में देख ही रहे होगे हम कसोल से निकल गए थे तो कसोल से एग्ज़िट करने हम निकले कसोल से ऑलमोस्ट 8:30 बजे और 8:30 भी नहीं 8:40 के आसपास निकले एंड देन व्हाट हैपेंड इज हम रास्ते में चलते रहे एक स्टॉप पे रुके भी वॉशरूम जाने के लिए बट बाद में यहाँ आके पता लगा बीच में एक टनल आती है मुझे टनल का नाम तो पता नहीं है बट एक टनल आती है जिसका सीन क्या है कि वो खुलेगी अब 3:30 बजे मतलब वो टनल इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है पीछे ट्रकों की बसों की और गाड़ियों की और अब वो 3:30 बजे टनल खुलेगी और अभी बज रहे हैं 2 मतलब 3 बजने वाले हैं बट हम 2 बजे यहाँ पहुँच गए थे 2 बजे बस लगाई है और टनल के पीछे जो सारा जाम लगा हुआ है उसमें भी हमारी बस लगी हुई है सबको ग्रुप बना कर लेके उतार के लाए हैं आगे एक ढाबे पे उसी रोड पर ढाबा था पैदल फिर उस ढाबे पे बैठ के खाना वाना खा लिया क्योंकि वो हमने आगे खाना था मूर्थल के वहाँ लेकिन वो हो नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी और हमारी एक बस जो है वो निकल गई है टनल पार करके पहले ही और हम पीछे रह गए अब वो टनल बंद होगी या वो 3:30 बजे खुलेगी ऑलमोस्ट 4 बज जाएंगे हमें यहाँ से टनल से निकलते थे और इसके बाद भी अभी 7 घंटे का रास्ता दिल्ली का रहता है सो बस वही है अब ये निकले फिर हम जाएँ क्योंकि बहुत हेडेक होगी देखो पीछे जाम मतलब पीछे देखो ऐसे ट्रक लगा हुआ है ऐसे पीछे तक लगा हुआ है और हम कम से कम 600 मीटर चल के आगे आए हैं इस ढाबे के लिए और आगे यहाँ पे टनल है जो दिख रही होगी दूर से अब रीज़न तो हमें भी नहीं पता टनल बंद क्यों होती है बट बंद हो तो हुई भी है देखो भाई कैसे कितनी देर लगती है कम से कम दिन हो जाएगा हमें पहुँचते पहुँचते 11-12 बजे हम अपने कॉलेज पहुँचेंगे फिर वहाँ से अपने अपने घर जाएंगे सारे फाइनली खुल गया जाम पूरी रोड क्लियर हो गई है ये अपनी बस में बैठते हैं नीलम में और चलते हैं फटाफट चलो भाई फाइनली स्टॉप लिया है बढ़िया वाला क्योंकि पहले तो फंसने की वजह से उसमें टनल वनल जो बंद रही उसके चक्कर में तो वैसे ही बैठ गए थे हम किसी भी ढाबे पे चले गए थे सारे इकट्ठे मजबूरी में बट अब सही स्टॉप लिया हवेली पे हेरिटेज हवेली है कोई अभी चंडीगढ़ का पहला टोल क्रॉस हुआ है बस इसके बाद अभी बहुत रास्ता बचा है ऊपर से ड्राइवर बहुत स्लो चला रहा है पता नहीं क्यों इसको बार बार कोई टीचर टोक देता है फिर ये स्लो चलाने लग जाता है और इतना स्लो चलाता है कि भाई पूछो मत बट सबके चेहरों पे खुशियाँ आ रही हैं क्योंकि घर आने वाला है फाइनली सबके चेहरों पे खुशियाँ आ रही है कौन सी खुशी भाई घर पहुँचने वाले हैं भाई अब कौन से घर पहुँचने वाले चंडीगढ़ में है हाँ तो 4 घंटे में पहुँच जाएंगे अब यार क्या 4 घंटे
बट ड्राइवर कसम से पागल नहीं बना रहा बहुत ज्यादा? अरे यार पता नहीं क्या ड्राइवर कर रहा है, लड़ाई हो रही है गुलशन सर से, किससे हो रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो अजीब लगता है, नीचे उतर डिसेंड करने में तो इतना फास्ट करता है, लेकिन जैसे प्लेन अब तो मैं आराम से चलाएगा। वही बर्गर से थोड़ा बहुत खावा लिया है, बर्गर कॉफी, कॉफी की बहुत तलब मच रही थी तो कॉफी पी ली। बस यार चलते हैं घर की तरफ। और कितनी देर का रास्ता है सर? 5 आवर्स बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं फटाफट अब घर। ब्लॉग्स पसंद आए हो, ये सीरीज अच्छी लगी हो मनाली की, क्योंकि रोहतांग पास वाला जरूर देखना। बाकी एक बार को टाइम ना हो मत देखना, लेकिन रोहतांग पास का जरूर देखना भाई, वो व्लॉग एक नंबर है भाई, वो फील ही अलग है। तो वो व्लॉग जरूर देखना, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं आप अगली सीरीज में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सब अपना ध्यान रखो।